Dear students, I am Professor C.P. Singh. Professor of Law, Faculty of Law, University of Lucknow. I shall discuss in this lecture law governing regarding damages in India. भारत में damages के बारे में law क्या है? सेक्शन 73 में है. इंडिया में 73 की जो लैंग्वेज है वो बेस्ड है डैमेजेज पर, जो है डिसाइडेड हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा डिसाइडेड केस हैडले वर्सेस बैक्सनडेल पर. 1854 का केस है. वो जो प्रिंसिपल जो है इस केस में ले डाउन किए गए थे वही जो है सेक्शन 73 में इनकॉर्पोरेट किए गए हैं. हैडले वर्सेस बैक्सनडेल का केस ये था कि इसमें डिफेंडेंट जो था डिफेंडेंट को प्लेंटिफ ने एक मिल का कि मशीन थी उसका एक क्रैंकशाफ्ट पार्ट होता है वो रिपेयरिंग करने के लिए दिया था करवाने के लिए. डिफेंडेंट ने उसे ग्रीनविच निर्माता के पास रिपेयरिंग करने के लिए भेज दिया. वो जो है काफ़ी लंबे टाइम के बाद जो है बन के आया है. तो प्लेंटिफ ने जो है काफ़ी दिन मिल बंद रही इस कारण से, तो प्लेंटिफ ने सूट फाइल किया और उस लाभ को मांगा जो क्रैंकशाफ्ट टाइमली बन के यदि आ गया होता और मिल चालू हो जाती तो प्रॉफिट मिलता. लॉर्ड बैरन एल्डरसन थे, उन्होंने डिफेंडेंट को इस डैमेजेज के लिए लायबल न ठहराते हुए एक सिद्धांत प्रतिपादित किया. उसके अनुसार जो है ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट में एक पार्टी दूसरी पार्टी से उतनी जो है डैमेजेज मिलनी चाहिए जो संविदा भंग के लिए उचित और स्वाभाविक प्रतीत हो, अर्थात जिस ब्रीच के कारण घटनाओं की सामान्य अनुक्रम में जो उत्पन्न हुई हो या जिनके बारे में पक्षकारों को संविदा के समय जानकारी रही हो, यही परिणाम होंगे. कहने का मतलब यह है कि संविदा भंग करने वाला पक्षकार उन सारे नुकसानों के लिए दायी होगा जो एक सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति द्वारा जिसका अनुमान किया जा सकता था ये नुकसान हो जा सकता है. तो 73 की लैंग्वेज जो है इस तरीके से है, व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन ब्रोकन, जब कोई संविदा ब्रोक की गई हो ब्रीच की गई हो, द पार्टी हु सफर्स बाय सच ब्रीच इज इंटाइटल्ड टू रिसीव, जो पीड़ित पक्षकार है, फ्रॉम द पार्टी हु हैज ब्रोकन द कॉन्ट्रैक्ट, जिस पक्षकार ने अपनी संविदा ब्रीच की है उससे, कंपेंसेशन फॉर एनी लॉस और डैमेज काज टू हिम देयर बाई विच नेचुरली अरोज इन द यूजुअल कोर्स ऑफ थिंग फ्रॉम सच ब्रीच और विच द पार्टी न्यू वेन दे मेड द कंट्रैक्ट टू लाइकली टू रिजल्ट फ्रॉम द ब्रीच ऑफ इट. सच कंपेंसेशन इज नॉट टू बी गिवन फॉर एनी रिमोट आर इनडायरेक्ट लॉस और डैमेज सस्टेन्ड बाई रीजन ऑफ द ब्रीच. तो इसमें जो प्रिंसिपल जो है लेट डाउन किए गए इस केस में उसको ही कह सकते हैं, आइडेंटिटी या डैमेजेज दिलाई जाएगी, यानी जो ऐसी डैमेजेज विच आर नेचुरली इन द यूजुअल कोर्स फ्राम द ब्रीच और ब्रीच आर रिकवरेबल,
यानी जो अग्रीड पार्टी है संविदा ब्रिज करने वाले से क्या डैमेज के रूप में प्राप्त कर सकता है, साधारण नुकसानी या जनरल डैमेज, वह हानि जो संविदा भंग के परिणामस्वरूप घटनाओं के सामान्य अनुक्रम में स्वाभाविक रूप से हुई। सेकेंड, डैमेज विच द पार्टी न्यू एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज लाइकली टू रिजल्ट फ्रॉम द ब्रिज आर आल्सो रिकवरेबल, इसको स्पेशल डैमेज कहेंगे। विशेष नुकसानी अर्थात वह हानि जिसके होने की संभावना संविदा भंग होने की स्थिति में संविदा करते समय पक्षकारों को रही हुई। थर्ड है, द डैमेजेज विच अराइज ड्यू टू रिमोट आर इनडायरेक्ट काज आर नॉट रिकवरेबल, किसी दूरवर्ती हानि के लिए दूरस्थ हानि के लिए डैमेजेज नहीं दिलाई जा सकती। इसके अलावा जो है डैमेजेज का प्रिंसिपल है ऐसी ऑब्लिगेशन पर भी लागू होगा जो संविदा द्वारा सृजित क्वासी कॉन्ट्रैक्ट की बात है, यानी क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के मामलों में भी लागू होगा। इसमें जो है जो बात की गई है जो प्रिंसिपल्स हैं जनरल डैमेजेज और उसमें के बारे में, जैसे एक केस है करसन दास एस ठैकर वर्सेस सरन इंजीनियरिंग कंपनी AIR 1965। इसके अलावा धारा 73 में बहुत से इलस्ट्रेशन दिए हुए हैं जिसमें भी जनरल और स्पेशल डैमेजेज की बात की गई क्या दिलाया जा सकेगा। ए ने 200 टन जो है रद्दी लोहा बी को बेचने का एग्रीमेंट किया, बी ने उतना ही लोहा एक्सपोर्ट कारपोरेशन को बेचने का करार किया, बी को ए ने लोहा दिया नहीं, दे नहीं पाया, तो निगम ने जो है जो एक्सपोर्ट निगम था एक्सपोर्ट कारपोरेशन था उसने बी से बाजार मूल्य और कॉन्ट्रैक्ट मार्केट रेट और कॉन्ट्रैक्ट रेट का डिफरेंस प्राप्त कर लिया। जब बी ने वही जो है रकम वसूलने के लिए ए पर सूट फाइल किया तो ए का कहना था कि उसे मालूम नहीं था कि बी जो है एक्सपोर्ट कारपोरेशन को बेचने के लिए खरीद रहा था। कोर्ट ने कहा, निर्णय डिसाइड हुआ कि ए से बी कुछ भी नहीं वसूल सकता था क्योंकि बी ने ए को ये नहीं बताया था कि वो लोहा निगम को बेचने के लिए खरीद रहा है। कहने का मतलब है जो बता दिया जाएगा वही जो है मिलेगा, उसके अलावा नहीं मिल सकता है। इसी तरीके से फजल इलाही और ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी 1921 के केस में प्लेंटिफ ने जो है आतिशबाजी के 4 बक्से डिफेंडेंट रेलवे कंपनी को पार्सल द्वारा इलाहाबाद पहुंचाने के लिए दिया। आतिशबाजी का उपयोग 5 जून को मेले में होना था लेकिन रेलवे को यह बात नहीं बताई और रेलवे कंपनी ने माल को जो पार्सल से न भेजकर मालगाड़ी से भेज दिया, गुड्स ट्रेन से। मेला खत्म होने के बाद वो माल पहुंचा, आतिशबाजी पहुंची, प्लेंटिफ ने लेने से मना कर दिया, रेलवे कंपनी ने वही सस्ते रेट पर वही भेज दिया, रेलवे कंपनी ने मुकदमा किया, वादी ने कंपनी के ऊपर मुकदमा किया, जिसने भेजा था उसने रेलवे कंपनी पर मुकदमा किया। डिसाइड ये हुआ कि प्लेंटिफ मूल्य तो प्राप्त कर सकता था परंतु मेले में होने वाले लाभ को प्राप्त नहीं कर सकता था क्योंकि उसने ये नहीं बताया था कि वह किस उद्देश्य के लिए जो है वो आतिशबाजी भेज रहा है। पीके अब्दुल्ला और स्टेट ऑफ केरला एवं अन्य 2002 के केस में ये अभिनिर्धारित किया गया है जहाँ रिस्पॉन्डेंट प्रूव नहीं कर पाता है कि अपेलेंट द्वारा संविदा भंग करने के लिए उसे कोई लीगल डैमेज हुई है, वहाँ वास्तविक कहानी के सबूत के अभाव में डैमेज का आदेश पारित नहीं किया जा सकता और रिस्पॉन्डेंट सिक्योरिटी की रकम भी जब्त नहीं कर सकता है। केसी सकारिया वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ स्टेट ऑफ केरला एंड अदर्स 9 AIR 2006 सुप्रीम कोर्ट के केस में अपीलेंट को 18 महीने के अंदर काम पूरा करना था और
परंतु इम्प्लायर जो है गवर्नमेंट द्वारा सीमेंट 15 महीने लेट दी गई, स्टील भी 26 महीने विलम्ब से दी गई, जिससे अपीलेंट जो कंट्रेक्टर था प्रिस्क्राइब टाइम के अंदर जो है काम पूरा न कर सका। फैक्ट से प्रूफ था कि ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट एम्प्लॉयर द्वारा सरकार द्वारा की गई है, कंट्रेक्टर द्वारा नहीं। ठेकेदार द्वारा कंट्रेक्टर द्वारा आगे कार्य करने से मना करना रीजनेबल माना गया। ये अब निर्धारित हुआ कि एम्प्लॉयर ठेकेदार से वह अतिरिक्त रकम वसूल नहीं सकते थे जो कार्य पूरा करने में एम्प्लॉयर को खर्च करनी पड़ी थी। इसमें बाद में एम्प्लॉयर ने काम कराया था तो इसलिए जो है वो रकम वसूल नहीं सकते थे। तो ये जो रूल्स हैं जनरल डैमेजेज स्पेशल डैमेजेज वाले इंडिया में लागू हैं, और इन्हीं आधारों पर दिलाया जाता है डैमेजेज। देखा जाता है कि जनरली जो है जिस समय कंट्रैक्ट